सुन सुनीता, उस रास्ते से मत जाना। उस रास्ते पे ना एक घर है जिसमें एक पागल औरत रहती है। जब देखो अपनी परछाई से बातें करती रहती है। हाँ, तो उस रास्ते से तो जाना ही मत। हाँ ठीक है, हम लोग इस वाले रास्ते से चलते हैं, ये सेफ है। अरे यार, सबसे ज्यादा शॉर्टकट रास्ता तो वही है। एक काम करते, तू बोल रही है तो ठीक है, चल। देख अपन दोनों के घर भी आ गए हैं, तो तू कल मुझे वो कैफे में मिलना जो भी नया ओपन हुआ है ना उसमें, फिर तू मुझे कल पूरी स्टोरी बताना उस घर की। ओके, मैं बता दूंगी तुझे, बाय। घर तो आ गई, वो पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं उसको कैसे बताऊंगी, वो तो बड़े डरावनी स्टोरी है। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, कल मिलूंगी उससे। भी हो गया, अब जल्दी से रेडी होके कैफे में जाती हूँ। चलो कॉफी कैफे में जाती हूँ। ओह हाय, तू आ गई। हाँ यार मैं आ गई, अब जल्दी से बता मुझे उस कैफे की स्टोरी। ओके मैं बताती हूँ। कई साल पहले उस घर पे माँ और बेटी रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करती थी। मम्मी, मैं अपने फ्रेंड से साथ ज़्यादा बाहर घूमने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ घर आओ ना, मैं तब तक बेटी मैगी बना के रखना। ठीक है, बना दूंगी मैं। हाँ बस आज ही बना रही हूँ, फिर एक हफ्ते बाद ही मिलेगी तुझे भी, ठीक है? ओके मम्मी, बाय। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो यार तुम लोग? मैं तो है ना, मम्मी भी है ना, बस एक एक हफ्ते में मुझे मैगी खिलाती है। ओह वैसे हमारी मम्मी तो हमें करीबन एक दिन छोड़ के एक दिन खिलाती है। उसे ऐसा क्यों नहीं करती? दोस्त बहुत ही चिढ़ाते थे क्योंकि वो पुराने टाइप की थी। मुझे नहीं पता, मम्मा बोलती है सादा मैगी खाने से पेट में मैगी का भूत आ जाता है। आई एम सॉरी, क्या आ जाता है? मैगी का भूत? वैसे तो अभी भी चीजों पे विश्वास करती है। मैं तो कब से वो हमारी मम्मी है ना, बचपन में हमें ज़्यादा मैगी खाने से ना, ताकि हम मैगी ना खा पाए ना, इसलिए हमारी मम्मी ऐसे बहाने बना देती हैं। हाँ हाँ, चाहे कुछ भी हो, बट मैं अपनी मम्मी की बात ज़रूर मानती हूँ, और मम्मा झूठ तो ना बोलेगी, वो सच्ची बोलती है। अब वो लड़की घर पे रोती रोती अपनी मम्मी के पास आ रही थी। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मम्मा मुझे सारे फ्रेंड चिढ़ाते, कह रहे तेरी मम्मा बहुत पुरानी है। करते, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लोग ही ऐसे हैं, तो मैं क्या करूं? ठीक है बेटा, तू जाके अपने रूम में सो जा, मैं यहाँ पे थोड़ा काम फैला हुआ है तो मैं कर लेती हूँ। सोच रही हूँ काम वाली बाई रख लूं। फिर उसकी माँ के ऊपर एक झूमर जा गिरा। अरे यार मम्मी, इतनी रात को तो चिल्लाई, देख के आती हूँ। मम्मी, एक झूमर तो इसके ऊपर आके गिर गया। उस बेटी का भी पैर फिसल के वो भी जा गिरी, वो दोनों ही जानी बचे। इसलिए वहां पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे अभी भी पता चलता है कि उसकी जो बेटी थी वो बच गई थी, इसीलिए वो जो है वहाँ पे उसकी माँ की परछाई समझकर बातें करती रहती है। ओह वैसे जो है वो घूमर, तो कहीं वो घूमर ब्राउन कलर
का तो नहीं था और उसके ऊपर गोल्डन गोल्डन लाइन बनी हुई थी क्या? हाँ तो वो तो वैसे ही है, वो तो अभी भी उसी घर में पड़ा हुआ है क्या? आप लोगों को क्या लगता है?